so how under root 5 can be represented on the number line. अब इसने क्या कहा है हमें कि नंबर लाइन पे आपको क्या शो करना है, अंडर रूट 5. तो हम इसे सॉल्व करेंगे. हमें इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो अंडर रूट 5. अब 5 का अंडर रूट तो नहीं पता है हमें, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 5 = 4 + 1, ठीक है. तो 4 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 का स्क्वायर. यदि हम इसका अंडर रूट कर देते हैं तो इसमें कोई चेंजेस आता है क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वापस से, 4 + 1 = √5. तो हम अंडर रूट 5 को इस तरीके से, अंडर रूट 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना. तो बस हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 जो है हमारा उसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है. अब ये क्या हो गए हमारे पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन लेंगे, हमने एक नंबर लाइन ली, ठीक है. जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, देन 4. इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, -1, -2, -3 एंड -4. तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो है हमारा, हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है. 2 सेंटीमीटर लिया, ये 2 हो गया हमारा बेस, ठीक है, रिप्रेजेंट किया हमने. अब यहाँ पर हमें राउंडर डिवाइडर की सहायता से या कॉम्पॉक्स की सहायता से हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, ठीक है, उसमें एक आर्क यहाँ कट करेंगे, एक यहाँ करेंगे. जिस डिस्टेंस से हमने इसकी रेडियस ली है उसी से हमने एक आर्क यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, यहाँ से हमने एक यहाँ काटा और एक यहाँ पर कट किया, और स्केल की सहायता से हम इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर दी हमने. अब हम क्या करेंगे, इसके 1 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे, यह आर्क कट किया हमने, देन स्केल की हेल्प से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है. तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये कितनी, अंडर रूट 5 है, ये हमने 1 लिए, ये हमने 2 लिए. अब हम क्या करेंगे, राउंडर को यहाँ रख के यहाँ पे एक आर्क लेंगे और इसको इस लाइन पर कट कर देंगे, ठीक है, इस लाइन पर कट कर देंगे. क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारी अंडर रूट 5 है, ये यहाँ लिखा है, ठीक है. तो हम इसी की हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से राउंडर की हेल्प से कट कर देंगे. तो ये वाला जो पॉइंट आया हमारा सी, इसे हमने बी ले लिया, इसे ए ले लिया, ए हो गया ओ, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ हुई है हमारी, ओ से सी पॉइंट जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये क्या है हमारी अंडर रूट 5. इस तरीके से हमने क्या किया, इसे नंबर लाइंस पे ड्रॉ किया है, इसे अंडर रूट 5 को. तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था. यदि इस एक्सरसाइज में कुछ समझ में नहीं आया, या फिर लास्ट एक्सरसाइज जो हमने पहले पढ़ी थी 1.1 है ना, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1, यदि इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर